नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो इस समय हमारे सामने महाराष्ट्र से एक खबर निकल कर आ रही है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद अब राज्य में जो है सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक प्रतिमा थी जो कि कल अचानक से ढह गई। अब ढहने के कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि तूफान आया, मतलब 3-4 दिन से महाराष्ट्र में मौसम खराब सा हो रहा था जिस कारण तूफान आया और मूर्ति ढह गई। अब भाई देखिए, तूफान तो आता रहता है, वर्षा होती रहती है, बारिश कभी भी हो जाती है, मौसम कभी भी खराब हो जाता है। अब मूर्ति बनाने वाले ने ये तो देखा ही होगा कि भाई ऐसा मौसम होता रहता है यहाँ पर, महाराष्ट्र में अक्सर ऐसा होता है, तो मुझे मूर्ति को और बेहतर बनाना चाहिए। ये मूर्ति बनाने वाले ने नहीं देखा होगा क्या उस समय, जिसके बाद इस पर सियासी पारा भी अभी इस समय काफी तेज हो चुका है। दरअसल मूर्ति की ऊंचाई पूरी 35 फीट की थी। दरअसल पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इस मूर्ति का जो है अनावरण किया गया था। वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया था। मूर्ति को बने हुए लगभग अभी इस समय 8 महीने समाप्त हो गए थे, और 8 महीने बाद ऐसी खबर आई कि तेज तूफान के चलते मूर्ति गिर गई, मूर्ति प्रतिमा मतलब नीचे गिर गई, इस तरीके से खबर आ रही है। छत्रपति शिवाजी को बहुत वीर माना जाता है, हम सब लोग उन्हें याद करते हैं, हमारी किताबों में शिवाजी के बारे में पढ़ा जाता है, उनकी वीर गाथाओं के बारे में हमारी किताबों में पढ़ा जाता है, हमारे बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग उनके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने की जो है खबर आ रही है, अब जल्द ही जो है नई प्रतिमा लगाई जाएगी। फिलहाल तो ये प्रतिमा भाई गिर गई थी, तो ये टूट गई, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अब नई प्रतिमा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगाई जाएगी। जिसके बाद इस पर कांग्रेस का भी जवाब आया है, मैं आपको कांग्रेस का जवाब भी जरूर दिखाता हूँ। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। हालात ये है कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को नहीं बख्शा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस ने लिखा, बात सत्य है और ये सभी सरकार के लिए लागू भी होती है। हालांकि मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर मौजूद थे जब उन्होंने अनावरण किया, पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई, ये भी बात है, मतलब सरकार राज्य सरकार ने बनवाई, उनके नेतृत्व में बनवाई गई, पर लेकिन इसमें असल गलती जो है ना वो किसी और की ही मानी जाएगी भाई। क्योंकि देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मूर्ति जिसने बनाई, मेन तो उसने बनाई ना भाई, अगर कुछ भ्रष्टाचार है उस तो उसको देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्ति थोड़ी बनाई थी भाई, उनको मूर्ति का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी करा था। हाँ, मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करने पहुंचे थे और मूर्ति उस समय बिल्कुल एकदम सही दिख रही थी भाई, पर लेकिन जब मूर्ति बनाई गई तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया मूर्ति बनाने में, आखिर उसमें कुछ भ्रष्टाचार किया गया, ये बात हमारे सामने आती है। और जिसने भ्रष्टाचार किया उसको भी सरकार को पकड़ा जाना चाहिए। जांच अभी पूरी चल रही है। फिलहाल 2 व्यक्ति के ऊपर जो है FIR एक तरीके से केस दर्ज हो चुका है, मतलब जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। हालांकि अब देखते हैं आगे क्या खबर आती है। फिलहाल नई मूर्ति की स्थापना की जाने वाली है कुछ समय बाद। हालांकि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।